केसीसी प्रोजेक्ट के अधीन कार्य कर रही निजी एसएमएस कंपनी के हड़ताली ठेकाकर्मियों की 39 दिन से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयासों से कंपनी और ठेकाकर्मियों के बीच 13 में से 12 मांगों पर सहमति बनी। खेतड़ी विधायक ने 6 दिनों में से भूख हड़ताल पर बैठे ठेकाकर्मियों को जूस पिलाकर हड़ताल तुड़वाई। आपको बता दें कि पिछले 39 दिनों से 700 कर्मचारी अपनी 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल पर बैठे थे। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद ठेकाकर्मी प्रथम पारी से ड्यूटी पर जाने लगे। कॉपर प्रोजेक्ट पूरे भारत की शान है और माननीय इंदिरा गांधी जी ने इसका शुभारंभ किया था और जिस तरह से जो महत्व आज भारतीय सेना का है, भारतीय एयरफोर्स का है, वैसे हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट अपने आप में देश का ये बहुत बड़ा संस्थान है जिसका योगदान है आर्मी में और जो हमारे आर्टिलरी में और जो भी बनते हैं, इस वजह से इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज मजदूरों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि मजदूरों का और जो कंपनी के संचालकों का, मैं समझता हूँ इस तरह का सामंजस्य रहेगा तो कोई हड़ताल नहीं करेगा। ये जो पिछले 40 दिन का जो हड़ताल था ये बहुत ही दुखद था, पर मुझे बेहद हर्ष है कि इस जो दुखद स्थिति उत्पन्न हुई थी हमारे इस क्षेत्र में, आज उसका बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से उसका समाधान हुआ कि हड़ताल तो अर्थनीति को क्रिपल ही करता है, सभी का नुकसान होता है। बहुत अच्छी बात है कि आज एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में डॉक्टर साहब के नेतृत्व में इस चीज़ का खत्मा हुआ। मुख्य मांगे थी वेतन बढ़ोतरी की, मेडिकल की, अंडरग्राउंड की, लगभग हमारी एक मांग को छोड़ के बाकी सभी मांगे मुख्य थी, उनके ऊपर हमारी सहमति बन गई है और वो मांगे सुचारू रूप से चालू रही। 3% हमारी वेतन बढ़ोतरी हुई है, पीएल वगैरह की पे भी हमारी सहमति हो गई है और बाकी मेडिकल थी सुविधा थी, उसके साथ कैंटीन सुविधाएं थी, वो सभी हमारी मांगे सुचारू।